एक इंसान के लिए उसकी शादी का दिन बहुत ही अफजल होता है क्योंकि उसी दिन से उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाती है। अली भाई, आपको आपकी नई ज़िंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। इन दोनों को साथ में क्यों लेके जाते हैं? ये बॉडी गार्ड है इनके, ताकि उनको नजर ना लगे। अच्छा, तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा हमारे कारगिल में कैसे शादियां की जाती है और यहां का रस्म और रिवाज क्या है। दिल थाम के वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो का एक भी पार्ट आप स्किप करोगे तो कल्चर का कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसीलिए दिल थाम के वीडियो को लास्ट तक एंजॉय कीजिए। आपको बेटे की शादी मुबारक हो। सबसे बड़े आतंकवादी है दुनिया के अंदर। मैं पैसे खर्चाने में बहुत कंजूस आदमी हूँ। मेरे यार की शादी है। वेलकम बैक टू आवर फ्रेश व्लॉग, आप सबका वेलकम करता हूं और एक नए व्लॉग पे। तो दोस्तों, इस टाइम मैं खड़ा हूं इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर एरिया ककसार वैली में। यहां से पाकिस्तान 2-3 किलोमीटर के फासले में। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, आज आप लोगों के लिए एक बॉर्डर वेडिंग सेरेमनी लेके आया हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज का वीडियो देखने में, क्योंकि आज सीजन की लास्ट शादी होने वाली है। इसके बाद आपको हमारे गाँव में कोई भी शादी देखने को नहीं मिलेगी अगले साल तक। तो आज आपको दिखा दूंगा एक शीना वेडिंग कल्चर। आज हमें दुल्हन लाने जाना है, ककसार जाना है। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली वीडियोस देखने के लिए। और जो ही 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल राइड स्टार्ट करेंगे। अपनी ऑल इंडिया राइड कंप्लीट कर दिया हमने, तो आप लोग 20 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी करा दो। वीडियो पे लाइक कमेंट करना भी, हम यहाँ से निकलते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहना, स्किप करोगे कल्चर का कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसीलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। अभी हम यहाँ से निकलते हैं बॉर्डर एरिया की ओर। तो अभी हम शादी वाले घर में पहुँच गए, गाड़ी को यहीं पे पार्किंग में लगा दिया अच्छे से। और यहाँ पे भी पूरे गांव वालों को खाना बन रहा है। सभी खुश पे फिलहाल दूल्हे को नमाज पढ़ाया जाता है। नमाज पढ़ाने के बाद तैयार किया जाता है। अपने माँ बाप से रुख्सत بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अभी यहाँ पे दुल्हे की बारात लेके चलते हैं नीचे रोड पे, उसके बाद जाते हैं यहाँ से दुल्हन लाने के लिए। सलाम वालेकुम मौलाना जाकिर साहब, आज शादी के बारे में चंद अल्फाज आप बोलिए। वालेकुम सलाम इरफान भाई, हर वक्त कवरेज करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि आज हमारे बरादर अजीज मोहम्मद अली की बलखानी की शादी है, तो पैगाम हर नौजवान को एक मुनासिब हमसर अता फरमाएं, और बिलखसूस आज के इस शादी के दिन पे जो है हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आलम इस्लाम के अंदर पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए पैगाम ये है कि आज गजा के अंदर, यमन के अंदर, बहरीन के अंदर जो है कत्ल व गारत है, ह्यूमैनिटी का कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। जो सबसे बड़े आतंकवादी है दुनिया के अंदर अमेरिका और इसराइल और बर्तानिया की बर्बरियत से जो है लोगों के ऊपर जो है कत्ल व गारत बरपा है। खुदा बंदे करीम उनको हिदायत दे, और पूरी इंसानियत को चाहिए कि वो उनके मुखालिम में और मजलूमों के साथ खड़े हो। हमारे दूसरे दुल्हे आज 5-6 दिन के बाद घर से बाहर निकले। आज ये सीजन की आखिरी शादी होने वाली है, उसके बाद इस गांव में कोई शादी आपको देखने को नहीं मिलेगी इस साल। लोग मेरे पीछे पड़े हुए कब से, साथ में लेके जाओ बोल के। मस्का लगा रहे हो? अभी गाड़ी में लगाएंगे तो है, उसके बाद यहाँ से लेके जाएंगे। तो बारात को यहाँ तक लेके आते हैं पूरे गांव, उसके बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ साथ में जाती है दूल्हे के साथ आगे दुल्हन लाने के लिए, बाकी सारी गाड़ियाँ यहीं से वापस जाती है और सारे लोग भी यहाँ से वापस जाते हैं, और हम अपनी गाड़ी लेके आएंगे। चलो हमने लोड के लिए लेके आए थे यहाँ पे दूल्हे का सामान लेने के लिए, तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो जी गाड़ी को लेके निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है, आप देख लो भाई साहब। बाइक लेके आते तो सबसे पहले होते हम, सबसे पीछे बैठे हुए। कहाँ जाना है? काक सर। बाकी सारी गाड़ियों में से फिल सिर्फ लोड के लिए चलाने में आता है, अलग ही स्वाद है इस गाड़ी का अपना। फटाकों की बारिश, आपके यहाँ फटाके लगते हैं कि नहीं कमेंट करके बता दो मुझे। हमारे यहाँ तो बहुत फटाके लगते हैं। गाड़ी को यहाँ पे रख के आगे चाय निकाला है दुल्हे के लिए, वो लेके आएंगे हम, आपको दिखा के आएंगे। चलो पे दुल्हे के कुछ रिश्तेदारों ने दुल्हे के लिए चाय निकाला है। यहाँ पे भी दुल्हे के मामा कुछ पैसे भी लगाते हैं साथ में। यहाँ पे भी हार भी चढ़ाया जाता है। चाय पिलाने के बाद दूल्हे को गाड़ी में लगा दिया, चलो चलते हैं फिर। तो अभी यहाँ से हम दूल्हे को लेके जाएंगे दुल्हन की गाड़ी की, और वहाँ से दुल्हन लेके आएंगे। चलो चलो फिर रवाना होते हैं यहाँ से बिस्मिल्लाह। आगे जाके हम अपना बाइक लेके आएंगे, गाड़ी यहीं पे रख के जाएंगे, इसका कोई काम नहीं है। गाड़ी को लेके आ गए हम यहाँ से अपना राजे को लेके जाएंगे, इसको यहीं पे साइड में लगाएंगे। तो चलो जी निकलते हैं यहाँ से। आ गए हम अपने मोटो स्टेप पे, यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी उसको लेके जाने वाला था, हाथ ही नहीं आया मेरे। तो लो जी निकल गए हम छानीगुंड से, वाइजर बंद कर लो। यहाँ से जाना है दोस्तों ककसार के ब्रिज तक जाना है हमें। बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये दुआ पढ़ने से सफ़र आसान हो जाता है। बाइक में पेट्रोल है, कोई टेंशन नहीं है।
दूल्हा तो गए, चल फिर हम दुल्हन को लेके आएंगे। लेकिन टूरिस्ट आप देख पा रहे हो, अभी भी आ रहे हैं टूरिस्ट। हो सके तो आज ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि ये सीजन की लास्ट शादी है हमारे गांव में। इसके बाद शादी के व्लॉग्स आई थिंक आपको अगले साल देखने को मिलेंगे, अल्लाह ने सही सलामत रखा तो अगले साल तक। आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखना। यहाँ पे बैठे हुए देख पा रहे हो सारे बंदे, इंतज़ार कर रहे दुल्हन का। दुल्हे से मिलाऊंगा आपको, चलो उसके बाद हम दुल्हन लाने जाएंगे आगे। क्या है भाई, ठीक है? तो अभी एक्चुअली सारी बारात यहाँ पे बैठी हुई है, अभी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं। दुल्हन अभी घर से नहीं निकली है, बेचारे इतनी जल्दी आके यहाँ पे बैठे हुए देखो। अली भाई, आपको आपकी नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी दुल्हन नहीं आ रहे, हम देखते आगे जाके क्या मसला है। दुल्हन नाराज मत है, हम देखेंगे। एक घंटे से ज्यादा हो गया यहाँ पे सबको आराम से बैठे हुए। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुँचे हम, यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करेंगे, यहाँ थोड़ा शूट वूट करेंगे, वीडियो का स्टार्टिंग करेंगे, और तो वहाँ ऊपर से दुल्हन आएगी, अभी यहाँ पे शूट करके निकलेंगे। यहाँ की बात करूँ तो बहुत ही धूप है नीचे, हम जो ही नीचे साइड जाते हैं बहुत ही टेम्परेचर डाउन होता है। नीचे सर्दी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी जैकेट पहन के हूँ, काफ़ी गर्मी का महसूस हो रहा है मुझे। अभी दुल्हन का यहाँ पर वेट करेंगे, अगर यहाँ से और टाइम लगेगा हम ऊपर जा कर ले कर आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। बाइक को भी धोना था, लेकिन यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। फाइनली अभी वहाँ ऊपर से दुल्हन को लाया गया, आप देख पा रहे हैं गाड़ियों की बारात आ गई है। मैं आपको फोन की जूमिंग थोड़ी दिखा दूँ। गाड़ी रोका गया मामे से कुछ पैसे लाने के लिए, पेट्रोल के पैसे लाते, उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है। फाइनली 3 घंटे के बाद दुल्हन यहाँ पे पहुँच गई, उसके साथ कुछ बाराती भी साथ में आते हैं लड़की के साथ, जो 1 दिन या 2 दिन रहते हैं यहाँ पे आई थिंक। तो फिर बाइक निकालते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं हम। तो दुल्हन को लेके हम यहाँ से निकल गए। ओह भाई साहब, और आगे जाके दुल्हे को तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आगे हम दुल्हे की बारात को आगाह करेंगे कि दुल्हन पहुँचिए, रेडी हो जाओ, इसीलिए थोड़ा दबा के यहाँ से निकालेंगे। हिमालयन की स्पीड दिखा दूंगा आपको आज। ओह, पीछे बंदे डर रहे हैं। यहाँ पे चाय शाय निकालेंगे आई थिंक, यहाँ पे चाय निकाले। चलो फिर अभी यहाँ पे चाय शाय पियेंगे, उसके बाद निकालेंगे यहाँ से। ये यहाँ का एप्रिकॉट जो कि हमारे मेहमानों को यहाँ पे निकाला जाता है। आज वहाँ पे पैसे भी कम लगाए, क्या बात है? मैं पैसे खर्चाने में बहुत कंजूस आदमी हूँ, बाकी दिल का बहुत आदमी। वहाँ पे अक्सर वालों ने आज 2000 लगाया, नाम कमाने के लिए करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि पैसा क्या है। की शादी थी, थोड़ा किस चीज के लिए खोलना था ना। हमारे अली भाई को क्या कहना चाहते हैं? अली भाई अच्छा है, आज के बाद एक जिम्मेदारी इसके साथ। ये भी कुंवर है, इसके लिए भी कोई मैसेज दे दो। ये नेप करेगा ना किसी को, इसको मैंने एडवाइस दिया है, मैंने बोला है किसी के सटर में लगा। इन दोनों को साथ में क्यों लेके जाते? ये बॉडी गार्ड है इनके, ताकि उनको नजर ना लगे। अच्छा, इनकी उनकी सरप्राइजिंग के लिए रखा है थोड़ा। आप कब शादी, आपका प्रोग्राम क्या है शादी करने का? अभी तक हमारा है 6-7 साल जा रहा है, 6-7 साल हो गए, 6 दिन 12 तक 13 साल। 13 साल में तो फिर आपकी आधी लाइफ तो मेरे ख्याल में चला जाएगा। शादी देर से, वैसे आप अच्छा ही है, क्योंकि 60 साल के बाद शादी करना चाहिए, जैसे अंग्रेज करते हैं ना। 60 साल के बाद ही करना, ये मॉडल दूसरा है ना, ये जो लोग करते हैं 60 साल के बाद करना चाहिए शादी। आज ना इसका आखिरी नहीं, लास्ट ऐसे मोमेंट है, इसके बाद इसको आर्मी में
सेलेक्ट हो गया ये सुना है, इसके लिए मुबारकबाद ही है। तो इंशाल्लाह कि सूबेदार मेजर आप रिटायर होकर आ जाएगा वहाँ से कामयाब एक फौजी बन के, और हमारे लिए फख्र है। आज दुल्हन वाले कुछ ज्यादा ही लेट कर रहे हैं यार, बेचारा दुल्हा नीचे कब से इंतजार करके बैठा हुआ है यार। दुल्हन को लाओ ना यार, दुल्हा नीचे बेचारा भूखा बैठा हुआ है गाड़ी में। आज किसी का दुल्हा कोई मांग वांग मत है अभी यहाँ पे आपकी? अच्छा अभी यहाँ पे चेंज हो रहे, ड्रेसअप चेंज हो रहे दुल्हन का। चलो फिर, दुल्हन को हमने बोल दिया लेकिन दुल्हन अभी कपड़े चेंज कर रही है यहाँ पे। फिर थोड़ा जल्दी करना यार भाई, यार बोल दिया हमने, अब चलो फिर आगे निकलते हम। यहाँ पे आपको मैं बारात दिखाने के लिए आया हूँ। एक दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यहीं पे फटाका लगा दिया किसी ने। चौदह पंद्रह सोलह सतारह गाड़ी, सतारह अभी और है, अठारह उन्नीस। तो भाई लोग अभी सामने फटाके लगा रहे लेकिन भाई को लाइटर नहीं जल रहा है। भाई हाथ में मत रखो, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा भाई। फाइनली बारात यहाँ पे पहुँच चुकी है और यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए चाय निकाला है। यहाँ पे फिर से रोका गया पूरी बारात को। यहाँ पे हमारे भाई तेल के पैसे मांग रहे दुल्हन के मामे से, लेकिन मामा लापता है, कहीं छुप के बैठे हुए, पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हुए। यहाँ पे ये रिवाज बरसों से चली आ रही कि यहाँ पे गाड़ी रोकना, उसके बाद बोलना गाड़ी में तेल नहीं आ रहा है, तेल के पैसे निकालो। और यहाँ पे मैं 50,000 की चेक देगा तुमको, 50,000 की चेक देगा। यहाँ पे भी पैसे के लिए पूरी बारात को रोका गया, पता नहीं ये सिस्टम कब तक चलेगा आगे। यहाँ पे कुछ पैसे मिले उसके बाद आगे की तरफ रवाना किया गया। लो जी पैसे मिले, 500 रुपये के लिए बराबर एक घंटा वेस्ट किया। आपको भी चढ़ना है बाइक पे? हाँ जी। चढ़ो चढ़ो, गिर जाओगे यार। हाँ के बहाने ढूंढते हैं ये। हाँ बहुत बड़े खतरनाक है, छानबीन वाले। क्या करें, रहने वाला हूँ। हाँ तो अभी पेट्रोल के पैसे हमें देने चाहिए थे, बाइक नीचे फंस गया हमारे, पेट्रोल खत्म होके हम इसमें आए थे अभी। चलो फिर यहाँ से अभी दूल्हा और दुल्हन को निकालेंगे और चला के लेके जाएंगे आगे। यहाँ पे अभी बारात पहुँच चुकी है गांव में और यहाँ से अभी चला के लेके जा रहे हैं। तो दुल्हे के साथ नाइंसाफी है, दुल्हन को यहाँ तक गाड़ी में लेके आए लेकिन दुल्हे को वहाँ नीचे से चला के लेके आए। हम लड़के, हमारे साथ ऐसे ही होता है। शकिन कहने बोलती रोज। अभी यहाँ से बारात निकाली गई और वहाँ पे घर वाले सलवार लगाते, उसके बाद यहाँ पे सलवार लगाते। बेटा
यहाँ पे सारे गांव वाले दूल्हा दुल्हन पे हार चढ़ाते हैं। सारे रिश्तेदार और गांव वाले यहाँ पे हार चढ़ाने के बाद दूल्हे को अंदर लिया जाता है। या मोमो कलम, आपको बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बेटी की शादी मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। यहाँ पे अभी बाप को मुबारकबाद दी जा रही है। वहाँ ऊपर से टोफिया गिरा रहा है। अभी यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन दोनों को घर के अंदर लेके जाएंगे। सारे गाँव वालों ने हार वार चढ़ा दिया। यहाँ पे दुल्हे के माँ सजदा देती है दरवाजे के सामने। दुल्हन को घर के अंदर लाया गया। थोड़ा छोटा बना है लेकिन पहले को जगह नहीं है नीचे। अभी शादी का सिस्टम यहीं पे खत्म होता है। दूल्हा और दुल्हन को घर के अंदर लाया गया।
दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। सारे मेहमान यहाँ पे बैठे हुए जो लड़की के साथ आते हैं, और ये दूल्हे के कुछ मेहमान, और ये छोटे दूल्हे दोनों। हमारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है तब निकलते हैं हम यहाँ से मेहमानों को अंदर लगाने के बाद। आ जाओ। ये सारे मेहमानों को यहाँ पे घर के अंदर लाया गया है। अब चलो हम चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे शादी का सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, अभी हम चलते हैं घर। तो अभी फिलहाल यहाँ से घर की ओर रवाना हो चुका हूँ। वहाँ पे नीचे मैंने गाड़ी रखा है, गाड़ी लेके चलते नहीं। देखो क्या ही प्यारा दिख रहा है, अभी हमें वहाँ पे जाना है यहाँ से नीचे रोड पे। ये पूरा डिस्टेंस तय करके वहाँ पे नीचे। चलो अभी गाड़ी के सामने पहुँच गए फाइनली। बिस्मिल्लाह। हेलमेट यहाँ पे रखा था मैंने, क्योंकि बाइक पे रख के आता तो बच्चे छेड़ते, इसीलिए। चलो बिस्मिल्लाह करते। इसका बटन अंदर चला गया ना, इसीलिए। लो जी निकल गए। बाकी अभी इसमें जितने भी फोटेज है अभी मोबाइल पे लाके एक्सपोर्ट करना है, उसमें चला जाता है आधा घंटा। और यहाँ पे नीचे से हमारे घर के लिए रोड जाएगा थ्रू, वरना हमें वहाँ नीचे से थोड़ा चल के आना पड़ता था, लेकिन अभी यहाँ पे रोड निकलेगा। जिसने रोड दिया उनका दिल से शुक्रगुजार है हम। तो उसके बाद गाड़ी घर के सामने ही पार्क कर सकते हैं, अभी थोड़ा चलना पड़ता था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे सामने शादी के लिए दूर दूर से लोग आए हुए यहाँ पे। माशाल्लाह वेलकम है आप सबका। ककसार बड़गाम से मैक्सिमम रिश्तेदार है, वहीं लोग आ जाते हैं। यहाँ पे रखे गए थे हमने अपने बाइक को, पेट्रोल खत्म हो गया। चलो अभी बाजार जाके पेट्रोल लेके आएंगे। अल्लाह ताला की तौफीक से एक गाड़ी बैठ जाती है दूसरी गाड़ी आ जाती है, गाड़ी और बाइक की कमी नहीं रखी है, खुदा का लाख लाख शुक्र। तो लो जी पूरी शादी का सिस्टम अभी खत्म हो चुका है, मैं घर पहुंच चुका हूं। अभी बस लैपटॉप खोल के एडिट करना है। आज का वीडियो पे इतना ही था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बता देना। 15K सब्सक्राइबर्स है, अगर अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया तो इस वीडियो पे कमेंट करके जाना, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इंटरनेशनल राइड करने भाई साहब बहुत सारे प्यार की जरूरत है। 20K सब्सक्राइबर्स इसी वीडियो में हो सके तो करवाना, और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना, और मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखना। ऐसे ही नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, वस्सलाम अलैकुम। इल्तिमासी दुआ, यहाँ पे नीचे कुछ व्लॉग्स आएंगे वो भी देख के जाना। बाय बाय, लव यू। चलो फिर अभी लैपटॉप निकालेंगे यहाँ से, आज की वीडियो को एडिट करेंगे। चलो फिर अभी 2 घंटे इसी के अंदर घुसना है मुझे।